हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हबी एंड मी। तो आज है 25 अप्रैल संडे और मैं बहुत दिनों बाद व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि टाइटल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा आज का दिन बहुत ही स्पेशल है। जी हाँ, आज है मेरा 7th मंथ बेबी शावर। यस, आई एम प्रेग्नेंट। एंड ये न्यूज़ आप लोगों को पता नहीं होगा, बिकॉज आई होप आप लोग अंडरस्टैंड करते हो कि कुछ फैमिली कुछ नियम रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं। तो एवरीवन वांट्स कि जब अच्छे से सब कुछ हो जाए, डिलीवरी हो जाए, देन उसके बाद ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म में लोगों को बताया जाए। वैसे भी हमारे फैमिली के अंदर भी बहुत क्लोज लोगों को, बहुत क्लोज फ्रेंड्स को पता है, सबको नहीं पता है, क्योंकि ये थोड़ा फैमिली वो लोग चाहते हैं जो हमारे पेरेंट्स हैं कि सब अच्छे से हो जाए, देन वील सेलिब्रेट, वील लेट द वर्ल्ड नो। तो इसीलिए मैंने डिस्क्लोज नहीं किया अपने यूट्यूब चैनल पे, या मेरे बहुत सारे एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स को पता नहीं है, बहुत जो क्लोज सिलेक्टिव पीपल है उनको ही पता है। तो ये वीडियो मैं अभी अपलोड नहीं करूँगी, जब सब कुछ हो जाएगा अच्छे से, बेबी बॉर्न हो जाएगा, तब मैं एक एक करके ये प्रेगनेंसी जर्नी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इससे रिलेटेड जो भी फंक्शन होगा उसके वीडियोस मैं शूट करके आप लोगों के लिए रख दूंगी, और बाद में जब डिलीवरी हो जाएगी तब आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ बैंगलोर में लॉकडाउन चल रहा है बाहर, तो अचानक से कोरोना केसेस बढ़ गए हैं, वीकेंड लॉकडाउन और वीकडेज में नाइट कर्फ्यू चल रहा है। तो इस वजह से हम लोग कहीं निकल नहीं रहे हैं और कोई हमारे घर आ भी नहीं सकता। हमने एक छोटा सा फंक्शन रखा था आज का, कुछ क्लोज एक दो फ्रेंड्स को बुलाए थे, बट कोरोना का जो सिचुएशन है उस वजह से हम लोग को कैंसिल करना पड़ा। तो अभी रिचुअल तो परफॉर्म करना ही है, तो मेरी मम्मी मेरे साथ इधर है बैंगलोर में, तो मम्मी हस्बैंड और मैं मिलके ही इसको जितना हो सके अपने तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि ये हमारे बेबी का फर्स्ट प्रोग्राम है, हमारे लिए बहुत स्पेशल है। तो थोड़ा बहुत डेकोरेशन, खाना वाना ये सब तो होगा ही, हम तीनों मिलके ही सेलिब्रेट करेंगे। जब सब नॉर्मल हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, तब हम लोग सबके साथ सेलिब्रेट करेंगे। तो बंगालीज में हम बेबी शावर को शाद बोलते हैं, जो कि 7th मंथ में होता है, 5th मंथ में होता है और 9th मंथ में होता है। तो 5th मंथ का तो हो चुका है, उसमें भगवान का कुछ प्रसाद खाना रहता है। और 7th मंथ में हमारे यहाँ रिचुअल है कि मेरी मम्मी मुझे बेबी शावर देगी, तो आज वो मेरे लिए जो भी मेरे फेवरेट फूड आइटम्स है वो बनाएंगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब नॉन वेज ही होगा, और नॉन वेज में फिश, क्योंकि फिश को हम लोग शुभ मानते हैं, तो फिश होगा। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्राइज, दाल, चावल, स्वीट्स, ये सब भी होता है, और गिफ्ट्स भी रहेगा। दिस इज समथिंग स्पेशल, तो हम लोग को सेलिब्रेट करना है, क्योंकि ये दिन तो अगेन नहीं आएगा। दिस इज आवर फर्स्ट चाइल्ड एंड हम लोग बहुत एक्साइटेड है इसको लेके, और आई जस्ट प्रे कि सब अच्छे से हो जाए। इस कोरोना के टाइम में रिस्क है, कंसर्न्स है हमें, बट देन द लाइफ मस्ट गो ऑन। तो चलिए, मैं आज जो भी होगा वो ही मैं आप लोगों के साथ शूट करके फिर शेयर करूंगी, डेकोरेशन, मेरा लुक, एवरीथिंग। तो आज पूरा ट्रेडिशनल लुक होगा, साड़ी पहन के विद गोल्ड ज्वेलरी एंड ऑल, तो सब कुछ मैं शेयर करूंगी, और डेकोरेशन कैसा हमने किया है वो भी मैं दिखाऊंगी। तो इस व्लॉग को एंड तक देखते रहिएगा, और जस्ट और एक मैसेज होगा मेरे फ्यूचर बेबी के लिए इस व्लॉग के थ्रू, कि आई एम ईगरली वेटिंग, मैं आपके लिए बहुत हम लोग वेट कर रहे हैं, आप जल्दी से अच्छे से अपने टाइम पे आओ, और वी लव यू, बॉय हो गर्ल हो, मैं कुछ मैटर नहीं करता, वी लव यू।
जैसे कि आपने देखा कि बहुत सारे वैरायटीज ऑफ खाने थे, फाइव टाइप्स ऑफ फ्राइज, तीन तरह के फिश थे, पापड़, फिर प्रॉन, फिर कातला। सो बहुत सारा खाना था, मैं थोड़ा थोड़ा सब खाई हूँ, पूरा तो एक साथ में नहीं खा पाई, नॉट पॉसिबल, तो बाद में रख दिया है कि जो नहीं खा पाई वो बाद में खाऊंगी। और फिर हम लोगों ने केक भी ऑर्डर किया था, बॉय और गर्ल मॉम टू बी वाला, जैसे आप लोगों ने देखा और मैंने कट भी किया। तो सेलिब्रेशन बहुत ग्रैंड प्लान किया था, मतलब फ्रेंड्स आने वाले थे, क्लोज जो है दो तीन फ्रेंड्स उनके फैमिली के साथ आने वाले थे, हम लोग होते तो कुछ डिफरेंट ही होता सेलिब्रेशन, बट क्या कर सकते हैं, अचानक से कोरोना का जो केसेस है वो बढ़ गया है, सिचुएशन इंडिया में बहुत वर्स हो गया है, इसलिए अभी तो बैंगलोर में वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू है और बहुत सारे स्टेट में ऐसा चल रहा है, तो इसलिए हम लोग को प्लान कैंसिल करना पड़ा, मतलब फ्रेंड्स नहीं आ पाए, बट रिचुअल तो करना ही था, इसीलिए हमने खाने का वो रिचुअल किया, फिर केक कटिंग का भी किया, मैंने अकेले ही केक कट किया, बट क्या कर सकते हैं, लाइफ मस्ट गो ऑन। बस ऐसा ही था हमारा दिन, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा जितना भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाई, और सब सेफ रहिए, खुश रहिए, और हबी एंड मी को ऐसे प्यार देते रहिए। तो अगले ब्लॉग तक, बाय बाय।